Yes, welcome to Cryptonics Gaming and आज हम आपके लिए एक नहीं बट दो बिल्ड लेके आए हैं। हम इन दोनों के बारे में पूरा कंपैरिजन देखेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप ये देखोगे एक पीसी बिल्ड का प्राइस है 80,000, एक पीसी बिल्ड का प्राइस है 90,000। एक है विद राइजन के साथ, एक है इंटेल के साथ, तो इसमें दोनों में कंपैरिजन क्या है, 10,000 रुपीज का डिफरेंस क्यों है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या है। तो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। So guys, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके मेजर इन दोनों पीसी बिल्ड्स के बारे में। पहला हमारा राइजन का जो पीसी बिल्ड है, इट इज कॉस्टिंग अराउंड 90,000। इट इज कमिंग विद राइजन 5 7600X एंड 4060 ग्राफिक कार्ड एंड वी हैव अनदर बिल्ड विद विच इज कॉस्टिंग अबाउट 80,000 विद i5 12400F एंड 4060। इन दोनों में 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। ये बिल्ड 80,000 रुपए का है और ये बिल्ड 90,000 रुपीज का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों। जो हमारे कॉम्पोनेंट में डिफरेंस आता है वो है राइजन 5 7600 एंड इंटेल i5 12400F। इन दोनों में ही प्राइस का डिफरेंस इज अबाउट 7,000 रुपीज। क्यों, जबकि दोनों में 6 कोर्स है, 12 थ्रेड्स ही है एंड तब भी AMD का प्राइस इतना हाई क्यों है। तो आपको ये मैं पूरे एंड में बताऊंगा कि यार इसमें एक्चुअली में जब आप लोग गेमिंग कर रहे हो तो कितना डिफरेंस राइजन देता है, स्पेशली FPS गेमिंग, कितना मेजर उसको डिफरेंस मिलेगा। सो गाइस, हमने मेन हमारे जो प्रोसेसर है उसमें जो मेजर डिफरेंस तो है ही, बट देयर आर सम फ्यू अदर डिफरेंसेस एज वेल। यहां पे हमने एक डुअल फैन एयर कूलर यूज किया है विच इज ARGB। यहाँ पे हमने 240M का लिक्विड कूलर यूज किया है विच इज अगेन ARGB, बट इन दोनों में बहुत ही कम प्राइस डिफरेंस है, इन टर्म्स ऑफ अबाउट 1500-2000 रुपीस का डिफरेंस ही होगा। दोनों का ही हमारा मदरबोर्ड ऑलमोस्ट सेम रेंज में है। देन वी हैव द पावर सप्लाई में डिफरेंस है। पावर सप्लाई हमने यहाँ पे ATX ब्रॉन्ज यूज करी है, हमने यहाँ पे ATX गोल्ड यूज करी है, दैट इज अगेन अ डिफरेंस ऑफ 1000 रुपीस। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस तो नहीं, बट ये बड़े बड़े डिफरेंस को मिला के हमारा पूरा 10,000 रुपीस का डिफरेंस बैठता है। व्हाई वी हैव चोजन, वन हैज चोजन AMD एंड वन इनको इंटेल में क्यों जाना था। वन इज अ बजट कंस्ट्रेंट। अगर आपका 80,000 का बिल्ड है, डेफिनेटली इंटेल इज योर बेटर ऑप्शन, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग। सिर्फ आपका गेमिंग यूज केस नहीं, आपका प्रोडक्टिविटी भी है, आपको एडिटिंग भी करनी है, आपको ग्राफिक डिजाइन भी करना है, आपको वीडियो एडिट करके अपने यूट्यूब वगैरह में डालनी है, प्लस आपको गेमिंग भी करनी है। उसके लिए इंटेल प्लस 4060 का कॉम्बिनेशन इज बेटर, स्पेशली इन 80,000 रुपीज बजट। अगर आपको प्योरली गेमिंग करनी है, स्पेशली FPS गेमिंग करनी है, तो AMD का प्रोसेसर विद ग्राफिक कार्ड 4060 इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इन 90,000। यस, यू कैन सेव अ लिटिल बिट मनी ऑन, अगर आप एयर कूलर चले जाओ, मे बी जो केस है थोड़ा सा लोअर एंड ले सकते हो, थोड़ा बहुत मनी आप सेव कर सकते हो, बट आइडियली लेट्स से ये 90,000 का बिल्ड है तो 90,000 के बारे में बात करेंगे हम। एंड अब बहुत कमेंट्स आने वाले हैं मुझे कि यार 4060 तो बहुत ही खराब GPU है और ये अच्छा GPU नहीं है, 3060 आप ले सकते हो उससे बेटर उससे कम प्राइस में। यस, यू आर राइट। अगर मैं सिर्फ ऑन नेटिव कंपैरिजन करूं, 3060 डस परफॉर्म बेटर देन 4060, बट यार लेट्स लुक एट अ लॉन्ग टर्म। अगर आपको GTA 6 खेलनी है, कोई भी गेम विद DLSS 3.0 खेलना है, तो 3060 में तो आएगा नहीं, आएगा 4060 में ही। एंड उसके लिए आई थिंक 4,000 रुपीज ऊपर खर्च करना, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग एट अ फ्यूचर प्रूफ पीसी। प्लस अगर आपका मेजर यूज केस इज गेमिंग ओनली, गाइस 4060 का एंड राइजन 5 का कॉम्बिनेशन इज रियली रियली गुड इन 90,000, अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वी वुड हाईली रिकमेंड यू गो विद दैट। सो गाइस, देयर इज अ नोट कि इन दोनों में सेम ही रैम लगी है एंड सेम ही स्टोरेज लगा है, 1 TB का WDSN 580 एंड 8 डाटा का 6 GB ऑफ रैम ही लगा है सिंगल स्टिक। सो उन दोनों में देयर इज नो प्राइस डिफरेंस एट ऑल। तो वो हमने बिल्कुल सिमिलर रख के आपको ये दिखा रहे हैं कि हर, अब अगर आप 80,000 में क्या लेके देते हो और 90,000 में लेने में आपको कितना परफॉर्मेंस डिफरेंस आएगा। अब परफॉर्मेंस की बात तो मैंने बहुत कर ली, अब लेट्स चेक कि परफॉर्मेंस एक्चुअली में कितना आता है FPS गेमिंग में। डू चेक इट आउट।
डिफरेंस आपने देख लिया है। लाइक आई सेड कि अगर आपके यूज केस के हिसाब से अगर आपको 80,000 का बजट लेना है तो आपका ये एक्चुअली ये परफॉर्मेंस आता है इंटेल N4060 के साथ। अगर आपको 90 का बजट आप खींच सकते हो और आपको दिखेगा खुद कि कितना मेजर परफॉर्मेंस डिफरेंस है व्हेन यू आर डूइंग FPS गेमिंग इन AMD, तो ये डेफिनेटली यू कैन हैव टू गो विद Ryzen 5 7600X एंड 4060 का बिल्ड। इट इज अ एब्सोल्यूट बीस्ट Ryzen 5। बाकी यार अगर आपको आपके यूज के हिसाब से मैं दोनों पीसी के बिल्ड का कॉन्फिगरेशन उसका प्राइस एक्जैक्टली क्या है, पूरे इस पीसी का भी एक्जैक्टली कॉन्फिगरेशन प्राइस क्या है उसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अपने यूज के हिसाब से ये सेम पीसी बिल्ड चाहिए हो, डू कॉन्टैक्ट अस। ऑल द डिटेल्स आर गिवन बिलो। हैव अ गुड वन।